नमस्कार दोस्तों, आज एक टीवी का प्रॉब्लम देखेंगे। इसमें ग्रीन कलर ज़्यादा आ रहा है और लिट्रेस लाइन भी आ रहा है, ठीक है। इसका प्रॉब्लम क्या है, चलिए देखते हैं। इस प्रॉब्लम ज़्यादातर कलर आउटपुट सेक्शन जो कि आरजीबी है उसका प्रॉब्लम होता है। तो जो भी कैथोड का मतलब जो भी कैथोड में अगर वोल्टेज कम आता है तो वो कैथोड का कलर ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें ग्रीन कलर ज्यादा हो रहा है तो ग्रीन कलर का वोल्टेज थोड़ा कम होगा। तो हम लोग आरजीबी को वोल्टेज चेक कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो मीटर में देखिए, मैं पहले ब्लू कलर का वोल्टेज नापूंगा। ब्लू कलर का है वोल्टेज, ठीक है। अब मैं ग्रीन को नापूंगा, ग्रीन में 62 है। अब रेड में देखिए 174, ठीक है। अब ग्रीन में 64, ब्लू में 173, ठीक है। तो ब्लू कलर और रेड कलर 172 बता रहा है, तो ये वोल्टेज ठीक है। अब ग्रीन कलर में देखिए 162 बता रहा है, इसका मतलब ग्रीन कलर का वोल्टेज कम है, इसीलिए ग्रीन कलर ज्यादा ग्रीन कलर होके ब्राइट होके आ रहा है और उसके साथ लिट्रेस लाइन भी आ रहा है। तो उसके लिए अगर ग्रीन कलर का कैथोड शॉर्ट होगा तब भी ऐसा प्रॉब्लम आएगा। तो हम लोग इसको बेस सर्किट को निकाल देते हैं। अब देखिए, ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा है कि कुछ चीज जला है, लेकिन हम लोग मैनुअल चेक करेंगे ग्रीन कलर कैथोड को। तो इसमें ग्रीन कलर कैथोड है, ये है जो कि ये ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से आउटपुट निकल रहा है, ठीक है। तो इसको ये रजिस्टर थ्रो से तीन कैथोड का ट्रांजिस्टर को सप्लाई दिया गया है। तो हम लोग एक ग्रीन कलर का ट्रांजिस्टर के लिए सप्लाई है इसके लिए, तो ये रजिस्टर को पहले चेक करेंगे। ये 15K का है ये तीन रजिस्टर, तो हमको 15K मिलना चाहिए, ठीक है। इसके लिए हम लोग मीटर में देखिए, ये 12 बता रहा है इसमें, इसको खोलने से 15 बताएगा, ठीक है। ये है ग्रीन कलर का, यहाँ कुछ भी नहीं बता रहा है, ठीक है। अब एक थोड़ा देखेंगे, इसमें 14 बता रहा है, ठीक है। तो जो ग्रीन कलर का रजिस्टर नहीं बता रहा है तो उसको हम लोग ओपन करेंगे, ठीक है। तो रजिस्टर को ओपन करते हैं, जो ये रजिस्टर है ठीक है, ये रजिस्टर ओपन कर लिया हूं। अब रजिस्टर को नाप के देखेंगे एक्चुअली वैल्यू बता रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे वैल्यू नहीं बता रहा है, ठीक है, तो ये खराब है। तो इसके जगह पे ये रजिस्टर चेंज करेंगे सेम वैल्यू का, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं, देखिए मीटर पे बता रहा है वैल्यू, ठीक है, तो इसको बदलेंगे।
तो इसको हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। तो सोल्डिंग तो हो गया है, अब तीन ट्रांजिस्टर को भी थोड़ा सोल्डिंग कर लेते हैं। ठीक है, तीन ट्रांजिस्टर को भी सोल्डिंग कर दिया हूँ। अब लगाएंगे पिक्चर ट्यूब में और वोल्टेज चेक करेंगे। ठीक है, अब लग गया। अब वोल्टेज चेक कर लेते हैं कितना वोल्ट आ रहा है आरजीबी में। रेड कलर में आ रहा है 170। ठीक है, ग्रीन में देखते हैं, ग्रीन में जो फॉल्ट था 171 आ गया। ठीक है, अब ब्लू में देखते हैं 172। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये ब्लू कलर है 170। ठीक है, अब आ गया ग्रीन कलर 172 और रेड कलर 171। ठीक है, तो करीब सबको सेम वोल्टेज आ गया सब कैथोड में। ठीक है, तो स्क्रीन सही तरीका से काम कर रहा होगा, हम लोग स्क्रीन में जाके देखेंगे। ठीक है, ठीक है, स्क्रीन पूरा चालू हो गया है। देखिए परफेक्ट कलर आ गया, पहले ग्रीन कलर होके लकीर लकीर आ रहा था और ज्यादा ग्रीन कलर था। ठीक है, तो हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। तो ये प्रॉब्लम ग्रीन कलर कैथोड से था, जो कि ग्रीन कलर कैथोड में वोल्टेज कम आ रहा था। तो जो भी कैथोड में अगर वोल्टेज कम आएगा तो उस कलर ज़्यादा बन जाएगा, बढ़ जाएगा ब्राइटनेस उसी कलर का, और थोड़ा लिट्रेस लाइन भी आएगा। ठीक है, तो मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।